साहस सरोकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वाराणसी दौरा, आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मंत्री के शर्मा ने की नाथ रो अभियान की शुरुआत, आयोजित कार्यक्रम में मेरी लाइफ मेरा शहर में हुए शामिल। एलडीए की बड़ी जीत, कार्रवाई आई सामने, 25 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। हरदोई में सिपाही पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप, रिश्वत लेते हुए सिपाही का ऑडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में मामलों विवाद में महिला की पीट पीट कर हुई हत्या, कटहल तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज दोपहर लखनऊ से बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी जाएंगे, जहां सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सोमवार की सुबह सर्किट हाउस से लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज वाराणसी दौरा है, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके वहाँ पे? जी ईशा, अगर बात की जाए तो सुबह के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। आपको बताएं कि आज दोपहर 3 बजे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहीं ना कहीं वहां पे दौरा होगा, जिसके बाद सबसे पहले वो सर्किट हाउस जाएंगे, जहां क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी एक मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही है, उस क्रम में जो तमाम कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनको गुरु मंत्र देते हुए कहीं ना कहीं 2024 को लेकर उनके अंदर जान फूकेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, वहां पे भी वो तमाम पुजारियों से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं काशी कॉरिडोर बनने के बाद अब सूबे के उप मुख्यमंत्री भी उसका दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं आज देर रात अगर बात की जाए तो वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाएंगे, शादी समारोह में शिरकत करेंगे। और बीजेपी के एक नेता है जिनके घर पे वो आज शादी समारोह में जाएंगे, वहाँ तमाम क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे। और अगर उसके बाद बात की जाए तो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे, और उसके ठीक बाद अगले दिन उनका कहीं ना कहीं बाबरपुर अब तमाम जगहों पर दौरा होगा। जी, तो विभांशु, डिप्टी सीएम 2024 को लेकर भी कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ वे उन्हें गुरु मंत्र देंगे इसको लेकर? जी, साफ तौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी की तमाम अभियान चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर देखे तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, वाराणसी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में राज्य सरकार की तमाम परियोजनाएं चल रही हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो मिशन 80 के तहत जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे उनको गुरु मंत्र देंगे। गुरु मंत्र की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक उनको लेकर एक निर्देश देंगे कि आप आम जनता के बीच जाइए और किस तरह से आम जनता से कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में उन्हें करने के लिए किस तरह का कार्य करें। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक उनके साथ उनके समर्थकों का एक हुज्म देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सूबे के उप मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर बनारस की तमाम जो पुलिस फोर्स है, बनारस कमिश्नरेट की, वो उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी। साथ ही साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी स्वयं की सुरक्षा भी मौजूद रहती है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। वही
वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर अभियंत्रण विभाग ने गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 5 और 6 में कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 60,000 वर्ग फुट जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त भी किया गया। खाली कराई गई जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 6 में शहीद पथ की सर्विस लेन से लगी हुई ग्राम मैलेश मऊ की लगभग 50,000 वर्ग फुट जमीन पर विभिन्न लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। वही कार्रवाई करते हुए सभी तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है। लखनऊ के अधीन जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको सील करने कार्रवाई कर रहा है। मानचित्र जिनके पास नहीं है उन पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अगर बात की जाए लखनऊ में तो इतना दूसरा कार्रवाई डेली नगर निगम करता आ रहा है, लेकिन आज की जो बात बताई जा रही है वो करीब 25 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण में जिस तरीके से कार्रवाई का दौर चल रहा है, अगर देखा जाए तो सभी बिल्डिंगें सीज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अवैध बिल्डिंगों का भरमार पूरे लखनऊ में है, अगर ये देखा जा सकता है कि इन बिल्डिंगों को किन मानकों के तहत पर बनाया जा रहा है, पैसे इनके मानचित्र सुचित्र है या नहीं है, तो इस पर पूरा मामला आ रहा है। फिलहाल अभी सेक्टर 5 और सेक्टर 6 विस्तार की अगर बात की जाए गोमती नगर में, तो यहाँ करीब 25 करोड़ रुपए की जमीन का एक अवैध कब्जा था जिसको LDA ने हटा दिया है। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है जी। तो लगातार LDA रितेश कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है अवैध जमीनों पर, तो ये जो कार्रवाई है ये कब तक ऐसे चलेगी? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर बात की जाए डेली तो प्रतिदिन 1-2 बिल्डिंगें सील हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि जिन बिल्डिंगों को वो सील कर रहा है उन बिल्डिंगों पर दोबारा कार्रवाई कैसे हो रही, कार्य कैसे चल रहा है, फिर उसका कोई मानक नहीं बनाया गया है। ना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC इंद्रमणि त्रिपाठी किसी प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर जिन बिल्डिंगों को उन्होंने सील किया है उन बिल्डिंगों पर फिर से काम कैसे शुरू होता है, उनके मानचित्र कैसे स्वीकृत हो जाते हैं, और क्या जो राशि होती है राजस्व को वो किस तरीके से जमा किया जाता है। फिलहाल ये सब चीजें अभी अंधेरे में रखी हुई है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल भी चल रहा है जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रितेश। वहीं औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर सदर कोतवाल ने अपने साथियों के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान फुटपाथ पर लगे ठेलों के दुकानदारों को हिदायत देते हुए फुटपाथ खाली करने को कहा और नहीं खाली करने पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं लोगों से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी भरोसा दिलाया। वहीं हरदोई में एक थाने में तैनात सिपाही की रिश्वत खोरी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सिपाही के रिश्वत लेने से संबंधित बातचीत का ऑडियो देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना के बाद मायके में रह रही पीड़िता और उसके माता पिता के साथ मारपीट करने वाले ससुराली जनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि DGP के आदेश के बाद भी पीड़िता का मुकदमा तब दर्ज किया गया जब सिपाही को 20,000 की रिश्वत दी गई। पीड़िता का कहना है कि उसकी तहरीर बदल कर मुकदमा दर्ज किया गया और अब मुकदमे में कार्रवाई के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। पीड़ित ने सिपाही के साथ हुई बातचीत का ऑडियो देकर बेटी के ससुराली जनों और रिश्वतखोर पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं डिप्टी SP को पूरे मामले की जाँच सौंपी गई है। 4 साल पहले हमने शादी कंथा चौक में आसमीन प्रेमिका सौदाद से की थी और कुछ अनबन हो गई। लड़की को हम अपने थाने वो घर ले गए और घर में जो ईद के मिलने के बहाने आए दामाद लड़का और जो सब लोग आए पूरे परिवार के लोग और इन्होंने मारपीट घर में की। हम सवेरे थाना हरियामा में शिकायत करने गए तो वहाँ हमसे आरिफ नाम के एक सिपाही है, उन्होंने 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये हमने दिए तो हमारा मुकदमा लिखा गया DGP के ऑर्डर से, CO साहब के ऑर्डर से, कप्तान साहब के ऑर्डर से, और अब जो है हमें बता रहे हैं कि RDO ये बताया जा रहा है कि हरियामा थाने में कांस्टेबल तैनात है और ये चांदनी नाम की एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है
कि उसका ससुराल वालों से कोई विवाद था जिसमें वो मुकदमा लिखाने गई थी, और उसी के एवज में उन्होंने लिया है। इसकी जांच की जा रही है, सीओ हरियाणा द्वारा इसमें विस्तृत रिपोर्ट लेकर और जांच करके जो भी सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो, ऐसा सुन मेरी बात, फोन से सारी बात नहीं होती, मेरे सामने होगा तब बात कराऊंगा आपसे, करूंगा, ठीक है? नहीं, बात तो साहब सही है, हम जो है वही बात तो हम पूछ रहे थे। फिर यार फोन पे नहीं पूछा करते ये सब बातें, तुम सामने आओगे तभी तो बताऊंगा मैं। तभी तुमने कहा था कि आप अलग हैं कि मतलब कहीं पे कोई मतलब अन्य आदमी नहीं जाने, क्योंकि आपका मामला हमारा कहीं दूसरा नहीं हम मानते हैं। नहीं बिल्कुल, तो मेरे सामने जब आओगे ना तुम थाने, घंटे में दो घंटे में तीन घंटे मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अच्छा, मतलब यही चीज तो पूछते थे हमने कि मामला हमारा तुम्हारा तय हुआ, जो भी बात हुई थी लेन देन की जो भी किया वो आपके हाथ में किया, अब हमारा मामला तो दिखा दिया कंथा थोक का। मेरी बात तो सुन मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या कर रहा, तुम सामने आना ना भाई, बात फोन से नहीं करना तू। चलो ठीक है, थाने आओ जब बात करूंगा तुमसे, ठीक है? चलिए चलिए, ठीक है भैया, ठीक है साहब। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्षराज जुड़ चुके हैं। तो हर्षराज, सिपाही के 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, तो सिपाही पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अब? क्या बताना चाहेंगे, इंसाफ पाने के खातिर रिश्वत देने का यह प्रकरण हरदोई जिले के थाना हरियामा का है, जहां थाने में तैनात सिपाही आरिफ मलिक पर मुकदमा लिखने के एवज में 20,000 रुपए लेने के रिश्वत आरोप लगा है। थाना क्षेत्र के बिलाइया गांव के रहने वाले सागर के मुताबिक 4 साल पहले उसने अपनी बेटी चांदनी की शादी थाना कुतवाली देहात के कंथा तो गांव के रहने वाले सादात के साथ की थी। बेटी के दहेज के लिए ससुराली जन प्रताड़ित करते थे, लिहाजा वह अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गए थे। 25 अप्रैल को सादाब और उसके परिजन बेलहिया गांव आए थे, उन्होंने घर में घुसकर चांदनी के साथ उसके माता पिता को भी पीटा था। पीड़िता ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लिहाजा उसने अफसरों से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि डीजी के आदेश के बाद बावजूद भी मुकदमा लिखने के एवज में सिपाही आरिफ मलिक ने उससे रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उसका मुकदमा दर्ज किया। रिश्वत लेकर उसका मुकदमा तो लिख दिया, लेकिन तहरीर बदल दी गई। पीड़िता के मुताबिक सिपाही आरिफ मलिक का कहना है कि दूसरा पक्ष मुकदमा खत्म करने के एवज में 1,00,000 रुपए दे रहा है, अगर तुम 50,000 दोगे तो तुम्हारे मुकदमे में धारा बढ़ा दी जाएगी और कार्रवाई होगी। जी तो हर्षराज, पुलिस महकमे से आए दिन ऐसी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती है, तो प्रशासन कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा इसको लेकर? यहाँ के जो राजेश द्विवेदी SP हैं, उन्होंने सारे प्रकरण को जाना और इस पे कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद हर्षराज। वही अगली खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर क्षेत्र के ग्राम भैरमपुर में पूर्व प्रधान वारिस अली के घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। वहीं पूर्व प्रधान का कहना है कि उनके बेटे ने अपनी दो लड़कियों की शादी के लिए जेवरात बनवाए थे, जिसकी कीमत लगभग 4,00,000 से भी अधिक थी। वो सारे जेवरात और 50,000 से अधिक की नकदी को पेटी का ताला तोड़कर चोर निकाल ले गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी टीम के साथ घटना का जायजा लिया और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद जुड़ चुके हैं, तो आनंद, क्या है ये पूरा मामला? मैडम, बताना चाहेंगे कि रामनगर थाने में लगातार चोरी हो रही है और पुलिस चोरी का खुलासा भी तो नहीं कर पा रही है, ना तो चोरी पर लगाम लगा पा रही है। आए दिन चोरी हो रही है, 1 हफ्ते के अंदर 3 चोरी हो चुकी है रामनगर थाने के अंतर्गत। जी, तो आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस क्यों कोई सख्त रूप नहीं अपना रही है? कोई सख्त रूप नहीं अपनानी, चोरी हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर देती है, और चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है, ना चोर अभी पकड़े गए भी जा चुके हैं, ना पकड़े नहीं जा रहे हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तबीयत खराब रहती थी। आपके ससुर? घर में रहते थे, मुझे कुछ नहीं करते। क्या काम करते हैं आपके घर वाले? घर वाले कोई काम नहीं कर रहे, बीमार रहते हैं, मुझे दतूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और दो लड़की हमारे शादी करने के लिए सामान खरीदा हमने, 4,00,000 के जेवर खरीद के रखा था और 50,000 रुपया और सामान सब इधर उधर बिखरा दिया। 1 बजे के टाइम चोरी हुई है, सुबह जागा तो देखा सब बिखरा सारा सामान, बंदा सब तोड़ दिया, तीनों जगह पर।
वहीं गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर हापुड़ से दिल्ली जाने वाले फ्लाईओवर पर एक चलते हुए ट्रक में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही समय में ट्रक धू धू कर जलने लग गई और राहगीरों द्वारा जलती ट्रक की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग लगने के एक घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो राहगीरों द्वारा मिट्टी के सहारे आग को बुझाने का प्रयास किया गया। गाड़ी में साबुन लोड है। कहाँ ले जा रहे थे? यहाँ दिल्ली पड़गंज। गाड़ी में कोई और था आपके साथ? नहीं, अकेले था। अकेले जाना? तो कैसे पता लगा नीचे से? नीचे से आग जब लगी मैंने कहा आग मतलब आग जब लग रही है तो उसमें पता नहीं क्या दिक्कत। गाड़ी में सीएनजी वाली गाड़ी है? नहीं, सीएनजी वाली नहीं है, डीजल की है। और जो मेरे पास फायर सिलेंडर थे वो मैंने चला दिए। चलाने के बाद मैंने कहा आपको सत्यपाल वही गाजियाबाद लोनी के दौलत नगर कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक ट्रॉनिका सिटी में स्थित जीन्स की फैक्ट्री में काम करता था। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो पावी सादकपुर के रहने वाले हैं, सूचना दिया कि उनके ट्यूबवेल पर एक शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तस्दीक कराया। उसका नाम जो मृतक है उसका नाम सुहेल, जो पावी सादकपुर का रहने वाला है और वहीं पास के फैक्ट्री में वो जींस फैक्ट्री में काम करता था। उसके शव को पंचनामा भर करके मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और उसकी मृत्यु किन कारणों से हुई है और किन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दूं, गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का पूरा मामला है जहां पर दौलत नगर में एक व्यक्ति जो है ट्यूबवेल पे नहाने के लिए गया था, जहां पर थोड़ी देर बाद उसका संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिलता है जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है और आनंद फानंद में सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव की शिनाख्त करती है कि आखिर ये शव किसका है। आपको बता दें ट्यूबवेल जो है वो कम गहराई का होता है, हालांकि वहां पर और भी बच्चे नहाने के लिए गए थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है आखिर ये व्यक्ति कैसे डूबा और कैसे इसकी मृत्यु हुई है। हालांकि इस मृत्यु के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर उन्होंने थाने का घेराव किया और साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ सही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अब पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि जब परिजनों ने जिस तरीके से वहां पर पूरा हंगामा किया उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कहीं ना कहीं आपको बता दूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति जो डूबा है, जो जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, वो फैक्ट्री में काम करता है जिसका नाम सुहेल है। कहीं ना कहीं रजनी जो एसीपी है लोनी के, वो मौके पर पहुंचे, उसके बाद घटनाक्रम का पूरा जायजा लिया। आखिर क्या किस तरीके से ये पूरा मामला है उसको देखा गया है। हालांकि लड़के जो शव मिला है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों ने उस पर अड़चन लगाई कि पहले जो व्यक्ति है किसने मेरे उसके बेटे को मारा है खासतौर पर, वो पहले इसकी जांच की जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके बाद ही सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरे मामले को शांत करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की वैधानिक जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी, तो प्रवीण, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, हालांकि देहात क्षेत्र है, वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवक किसके साथ गया था वहां पर नहाने के लिए और किस कारण, क्या कारण रहा, किस वजह से वो वहां पर डूबा, उसके बाद उसका जो डेड बॉडी है वो मिली, उसके बाद जो वहां पर जो नहाने गए थे कुछ लड़के भी गए थे नहाने, उन्होंने गांव जाकर उनको सूचना दी, उसके बाद वहां पर परिजन पहुंचे, उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा आखिर किस वजह से युवक की मृत्यु हुई है। जी, तो प्रवीण, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो पुलिस कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रही इसको लेकर?
देखिए कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ नहर भी है तो नहर में भी कुछ बच्चे, क्योंकि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में बच्चे नहाने के लिए निकलते हैं, हालांकि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको साथ ले जाते हैं, कुछ बच्चे तैर पाते हैं तो कुछ नहीं तैर पाते हैं, कहीं ना कहीं जो गर्मी है, गर्मी की वजह से भी बच्चे इस तरह से भागते हैं उस तरफ नहाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर आपत्तिजनक स्थितियों में अगर मृत्यु हो जाना, और कहीं ना कहीं जो परिजन है, अब परिजनों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि परिजनों का खास तौर पर कहना है कि ये फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ आना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये वहाँ कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। किन बच्चों के साथ गया, उन बच्चों से भी पुलिस पूछताछ करेगी आखिर कौन किस समय पर ये लोग वहाँ पहुंचे, जिसके बाद क्या हुआ ऐसा जिसके बाद इस व्यक्ति डूबने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद प्रवीण। वही लखनऊ के गल्ला मंडी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से मंडी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। साथ ही अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वही लखनऊ में दबंग एजाज खान और उसकी पत्नी ने महिला को बेरहमी से पीट दिया। मामूली कहासुनी के दौरान महिला को लोहे की सरिया और लात घूसों से बुरी तरह मारा पीटा गया। बता दें कि जालसाज एजाज खान और सातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर पहले से ही कई थानों में अपराध पंजीकृत है। जिस महिला को मारा है वो एक मुकदमे में एजाज के खिलाफ गवाह है, जिसको लेकर आए दिन एजाज गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। वहीं घायल महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। महिला ने मुकदमा पंजीकृत के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। थाना कैसर बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वही अगली खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां कटहल तोड़ने के आरोप को लेकर हुए विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के जोगिया कोतवाली के गोनहा का है, जहां 45 वर्षीय बासमती देवी की दबंगों ने हत्या कर दी। बता दें कि गांव के ही दो परिवार में कटहल तोड़ने का विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस बल ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में एक टम्पू आया था, हमारी मम्मी भेली आने गई थी, गांव में बंदर आए थे, कटहर का पेड़ था, बंदर 3 कटहर तूर के नीचे गिरा दिए। उस घर के लोग कह रहे हैं कि कटहर तुम्ही टूरी हो, बरसाती तौलन किसलौती गोलकी अब दिनेश चित्राम, सभी लोग मिलकर कह रहे हैं कल से झगड़ा हो रहा, आज भी हो रहा है, सुबह से सभी लोग मारे थे, पुलिस आए हैं, पुलिस चले गए, फिर वो लोग दोबारा घर से निकल के आए हैं, हमारी मम्मी बहन को ठेका ठेका मार के मूर्छित करा दिए हैं। ये थाना जोगिया उदयपुर में गुना गांव में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। इसमें गांव में ही आपसी विवाद को लेके इसमें जो विपक्षियों द्वारा इसके सर पे वार किया गया, जिससे इसका मृत्यु हुआ है। मौके पे पुलिस टीम आ गई है, साथ में फील्ड यूनिट भी है, और जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें शीघ्र ही जितने भी इसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें इंजरीज वगैरह भी हैं, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे जो अभी तक मामला जो निकल के आ रहा है? लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जन सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से मैराथन और मशाल रैली का लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आज सुबह 7 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम के मुख्य गेट से दौड़ शुरू हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन आगामी 25 मई से 3 जून तक लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, जिसमें कुल 21 प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, मैराथन का ये आयोजन किया गया, इसमें कितने लोग जुटे हैं, कौन जो बड़े दिग्गज हैं जो इसमें जुटे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में खेलो इंडिया के तहत अलग अलग जगहों पर खेल के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से साफ तौर से युवाओं के अंदर एक खेल के प्रति चेतना जगाना है। और बात करें
तो राजधानी लखनऊ में आने वाले 25 मई से 3 जून तक राजधानी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम होगा। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर में कार्यक्रम किया जाएगा। अगर बात करें तो इसमें 21 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री का योजना है खेलो इंडिया और बढ़ो इंडिया, उसके तहत ये कराया जा रहा है। अगर बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे। आज बात करें तो इस कार्यक्रम के बेहतरी को लेकर और साथ ही साथ जन सहभागिता को बढ़ाने को लेकर आज राजधानी लखनऊ में सुबह 7 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम के मुख्य गेट से एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो लखनऊ वासी हैं और साथ ही साथ बात करें तो जो खेल के जगत से जुड़े लोग हैं उनके अंदर एक चेतना जगाने का प्रयास हुआ। इस अगर कार्यक्रम में बात की जाए तो तमाम दिग्गज मौजूद रहे। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के डीएम शिवपाल गंगवार और साथ ही साथ मंडलायुक्त रोशन जैकब समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। साथ ही अगर बात की जाए तो अधिकारियों के साथ साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री इस कार्यक्रम गिरीश चंद्र यादव इस कार्यक्रम से दूर नजर आए और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि गिरीश चंद्र यादव अपना मोर्चा संभाल कर कहीं ना कहीं इस खेलो इंडिया के जो जन सहभागिता का कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की एक मुहिम है कि अगले ओलंपिक तक देश से इतने ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या हो जिससे कहीं ना कहीं देश की मेडल की संख्या बढ़ सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विमांशु। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।